तो यार रियली यार सुबह सुबह उठने के बाद मस्त के फ्रेश हो जाओ यार, नहा के यार। ऐसा नहीं कि पानी ऐसे लगा लिया हो गया फ्रेश, ऐसा नहीं यार, नहा के वगैरह फ्रेश होने के बाद है ना, छत पे आने के बाद देखो यार इतना सुकून है यार। ठीक है, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ है और बस सुकून ही सुकून है यार। तो देख सकते हो यार, और जो फ्रेश एयर मिलता है ना सुबह सुबह उठने के बाद, ये देखो इतना बड़ा टंकी है लेकिन पानी नहीं है यार टंकी में, इतना बिल्कुल पानी नहीं है यार, क्या ही बताया। तो बहुत यार एयर में उतना ये भी नहीं है, मतलब 50% अच्छा है और 50 नहीं नहीं सॉरी 60% अच्छा है यार, और 40% थोड़ा गंदा है। क्योंकि यार वहाँ पे ना दिख रहा हूँ आपके, वहाँ पे फैक्ट्री है ना, तो वो जो एयर मतलब एयर ये होता है ना तो वो निकलता है यार, तो उधर थोड़ा प्रदूषण है, बट ऐसा तो ठीक है यार। तो यार अभी जाना है कॉलेज, सुबह 7 बजे जाना है यार कॉलेज, तो थोड़ा टाइम था तो मैं सोचा थोड़ा छत पे आ लूँ। तो दोस्तों यार आपको तो बताया नहीं मेरा कौन सा स्कूल ड्रेस है, तो ये वाला लाइनिंग वाला शर्ट है और ये अपना ब्लैक वाला, ठीक है, चेन लग के ना, अभी चेन नहीं लगाए हुए। तो चलो यार, और अभी फटाक से निकल जाते हैं यार, नहीं तो यार ऑटो लोगों का ना इतना झंझट रहता है ना यार, क्या ही बताए। तो देखो यार मैं बता देता हूँ, अगर अपन चलती गाड़ी मतलब चलती वाली ऐसे चलती वाली गाड़ी नहीं, अगर समझ लो उस गाड़ी में पैसेंजर हो ऐटो में, ठीक है, दो तीन यार एक पैसेंजर हो, ठीक है, तो कॉलेज तक है ना 20 रुपीज़ लेके जाता है, आने जाने का 40 रुपीज़, ठीक है। बट अगर बिना पैसेंजर का अगर बोले भाई प्लीज़ यार स्कूल तक छोड़ दो कॉलेज तक छोड़ दो, 40 रुपीज़ देना पड़ता, फिर 40 40 80 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ बच रहा है यार, इसलिए यार थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और घर मालिक का दरवाज़ा भी बंद है यार, उनको भी जगाना पड़ता है यार सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी उठते नहीं ना ठंडी के मौसम में यार, जब पता क्या 6 बजे उठने के बाद ऐसा लगता है यार सो के रहो यार। तरमा गया नहीं। होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए। तो अभी बज रहे यार 7 7 बज रहे, और अभी ऑटो देखना पड़ेगा यार, बस ऑटो मिल जाए तो अच्छी बात है यार, लेट नहीं होनी चाहिए यार कॉलेज में जाके, अगर लेट बोलेगा मैडम मैं आई कमिंग तो अच्छा नहीं लगेगा यार। तो अभी फटक से यार ऑटो ढूंढते ढूंढते मतलब आएंगा तो पकड़ेंगे यार। सुबह सुबह यार यार सभी की कॉलेज स्कूल सभी की चालू हो गई, तो देख सकते हैं पीछे बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं यार आगे साइकिल से, अपने को भी साइकिल लेना चाहिए था यार, फिर मस्त है साइकिल से जाना आना। बट यार बताओ यार एक बात, साइकिल से अगर अपन गए ना इधर से बहुत घूम के जाना पड़ता, रेलवे क्रॉस करके जाना पड़ता मतलब ट्रैक, बट यार उसमें ना एक बात बहुत गंदी है कि पसीना बहुत निकलता है यार, पसीना निकलने के बाद जो मेकअप जाता ना यार, बाल का हेयर स्टाइल पूरा अलग होना ये वगैरह, मतलब पूरा अलग सिस्टम हो जाता है यार, पसीना पसीना पूरे मतलब ड्रेस वगैरह गीला गीला पसीने से यार बहुत गंदा लगता है यार। तो कुछ दिन है तो ऐटो से मस्त चिल मार के जाते यार, बस अभी ऐटो नहीं मिल रहा यार, मैं तो इधर से आने वाला ऐटो। और हाँ यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यार, मास्क ये बहुत ज़रूरी यार, नहीं तो यार बहुत गंदा लगता है यार, अगर समझ लो बाई चांस अगर कोई अगर छींक मारा तो बोलेंगे यार कोरोना हो गया कोरोना क्या, तो मास्क ज़रूरी यार, ठीक है। बस अभी ऐटो मिल जाए तो अच्छी बात है यार, कल ही मैंने लिया यार 20 रुपीज़ का है मास्क, ठीक है मस्त है सॉफ्ट सॉफ्ट, हाय हाय हाय। चलो यार अभी ऑटो ढूंढते फटक से चले जाते हैं कॉलेज। तो फाइनल है ऑटो मिल गया यार, thank you।
चलो यार, जो ऑटो दिख रहे ना वो यहाँ पे ही छोड़ दिया यार उसने, क्योंकि यार यहाँ तक 20 रुपीज़ है, अगर और आगे जाएंगा तो यार 30 रुपीज़ लेंगे ही लेंगे बंदा, तो इसलिए बोलते यार यहाँ तक छोड़ दो हमको, यहाँ से हम पैदल चले जाएंगे यार, क्योंकि पैदल भी चलना पड़ता है यार कभी कभी यार। यार ये मास्क मैं कॉलेज में जाके लगाऊंगा, नहीं तो यार बोलूंगा तो आपका आवाज़ ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यार पता है क्या, कॉलेज है ना 9 या 10 बजे रखना चाहिए यार, इतने सुबह यार, सुबह उठने के बाद यार ठंडी ठंडी में आना यार बहुत, अभी पता है क्या नींद आ रही है यार, बहुत नींद आ रही है यार। तो यार देख सकते हो यार रोड में सिर्फ गाड़ियाँ है और जो भी जा रहे हैं ना सब स्टूडेंट है यार, ठीक है कॉलेज के लिए। बट यार इतना सुबह कॉलेज कौन रखता है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता, 7 बजे कौन रखता है भाई यार, मस्त यार 9-10 बजे रखते यार, मज़ा आता है यार, सुबह उठो यार मस्त फ्रेश हो, फिर मज़ा आता है नहाने के बाद वगैरह। बट यार इतने सुबह कौन रखता है भाई यार ठंडी। यार पता है क्या एक बात है कि अभी ठंडी लग रही, बट नहाने के बाद जब निकला ना घर से, मतलब बाथरूम से, ठंडी नहीं लग रही थी यार, बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। तो देखो यार पूरा रास्ता ही खाली है सिर्फ स्टूडेंट भर के, ठीक है पूरा सिंसर बन के जाना पड़ता है कॉलेज, बाद में घर कॉलेज जाकर कर लूँगा। तो यार ये रहा मंदिर हनुमान जी। वहाँ पे वो झाड़ दिख रहा ना, पूरे कपल्स बैठ के थे वहाँ पे, ठीक है वो कॉन्टे पे बैठ के, वो उधर बैठ के, मतलब तभी से देख रहा है, मतलब एक लड़की पे 3-4 लड़के, सोच मज़ा आ गया। लेकिन देख क्या मैं देख रहा था, गिन रहा था कितने सारे करके, अभी तक थे वहाँ पे, अभी चले गए सब के सब शायद, बट मज़ा आ गया यार वहाँ पे देख के, पूरा भर के था वहाँ पे गाड़ी। चलना देख के आएंगे ना अभी होगा ना, तो आने का लेकिन कबड्डी कूटे कूटे शुरू हुई दस वाले पहले से बैठ के आएंगे बे, बुकिंग करके अपना सीट। अबे तू तो इकडे आमच्याच गावचा आहे बे, या साइडचा सगळ्यात, पहिले से सीट बुकिंग करके रखे बे, जागा भी नहीं की नहीं, पहले चले पहले से बुकिंग करके। देखो यार आज खेलने वाले कबड्डी है ना, तो एक बीच फाइनल यार घर आ चुका है यार, आने के बाद यार मस्त देखी टाइम ही नहीं निकाला मैं, देखो यार देख सकते हो मज़ा आ गया। लेकिन यार कॉलेज में मस्त एंजॉय करना, आज पता क्या कबड्डी खेल था यार, सॉरी अरे मस्त कबड्डी कॉम्पिटिशन चालू यार वहाँ पे। तो हे गाइस चलो यार यहाँ पे एंड करते हैं ब्लॉग को, होप गाइस आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ यार अगर आप नहीं हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, होप गाइस आपको पसंद आया। और हाँ यार अभी ना आया ना तो पेट बहुत दर्द दे रहा है यार, अभी बज रहे 12 बिना खाए पिए, अभी तो खाना बनाएंगे फिर खाएंगे फिर सोएंगे, फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।